हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, इंसान का किसी न किसी काम को करने का मकसद होता है। आपका भी मकसद नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेवा करना है। लेकिन लोगों की सेवा करने के अलावा दो अन्य और मकसद हैं जो आपको पूरे करने हैं। एक तो अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और दूसरा माता पिता का सपना पूरा करना है। और ये दोनों मकसद अहम हैं और ये आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। आपके माता पिता का एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता इस सपने को पूरा करने के लिए कितना सेक्रीफाई करते हैं और उनका वो सपना भी आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही होता है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ज़रा एक बार सोच के तो देखो अपने माता पिता के बारे में, जिनके हृदय में सिर्फ आप ही रहते हैं। सोते उठते जागते बैठते आपकी ही चिंता सताई रहती है। तो क्या इस संसार में ये दो इंसान आपके लिए इतना त्याग कर रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या आप उनके लिए इस सपने को पूरा नहीं करेंगे जो सिर्फ आपके लिए ही है? दोस्तों, आपके माता पिता ने आपके लिए 20 साल तक कष्ट सहे हैं, तो क्या आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ 6 महीने कष्ट नहीं सह सकते? अभी तो नीट की एग्जाम में 6 महीने का ही समय बचा है। बाहर से कठोर दिखने वाले पिताजी अंदर से आपके लिए कितने नरम हैं, कभी आपने सोचा है? अगर आपको थोड़ा सा भी दुख होगा, आपको टेंशन फ्री करके उस दुख में खुद रात भर जागते रहते हैं। हर मुसीबत में आपके लिए पहाड़ बनकर खड़े रहते हैं। क्या आप ऐसे इंसान का सपना पूरा करने के लिए 6 महीने रात दिन एक नहीं कर सकते? कहते हैं माँ की ममता अनूठी होती है। अपने लाल का प्राण बचाने के लिए खुद के प्राणों का भी त्याग कर देती है। जो इंसान आपके लिए प्राण त्याग कर दे, आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए नीट क्रैक के लिए मेहनत नहीं करेंगे? बच्चों, भगवान के बाद हम माता पिता को याद करते हैं। माता पिता की फीलिंग स्वयं माता पिता ही समझ सकते हैं। वो अपने दुख आपको तो महसूस नहीं होने देते। उनको सुकून तभी मिलता है जब आप सफलता की सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी एक बेटे का बाप हूँ। मेरा बेटा भी फिलहाल मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा है। तो मैंने भी सपने देखे थे जो अभी आपके माता पिता देख रहे हैं। सपनों को पूरा होने के बाद माता पिता को कितनी खुशी मिलती है, ये मैंने महसूस किया है। दोस्तों, माता पिता तुल्य इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इनका सपना पूरा करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। पढ़ने का मन किसी को भी नहीं करता है, क्योंकि पढ़ाई चीज ही एक ऐसी है, मगर आपको पढ़ना होगा। क्या नीट का एग्जाम इतना कठिन है कि इसको आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए क्रैक नहीं कर सकते? इनके सपनों को पूरा करने के लिए तो कठिन से कठिन परीक्षा भी पास की जा सकती है, अगर आप इनके सपनों का महत्व जान सकें तो। तो बच्चों, मैं हरसाय चोपड़ा आपके पिता तुल्य होने के नाते आपको सलाह देता हूँ कि इतनी मेहनत करो कि नीट की एग्जाम क्रैक करके अपने देवता तुल्य पेरेंट्स का सपना पूरा कर सको। ये आपके ही हाथ में है। कभी भी नीट एग्जाम इतनी हार्ड नहीं हो सकती कि आप अपने पेरेंट्स के लिए इसको क्रैक नहीं कर सकें। आप अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए तो नीट क्रैक कर सकते हैं। मेरी इन बातों का नीट एग्जाम तक ध्यान रखना। अगर आपके मन में जरा भी अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार है तो आइए उठाइए किताब और पढ़ते रहिए 3 मई 2020 तक, जब तक कि नीट कंप्लीट न हो जाए। 3 मई 2020 आपके व आपके पेरेंट्स के लिए खुशी का दिन होगा। मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे बेटे बराबर होते हुए यह वीडियो को एंड करने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी इजाज़त तो लेनी ही होगी। तो दोस्तों, कीजिए पढ़ाई, मेहनत कीजिए और अच्छे नंबरों के साथ नीट क्रैक करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद।